विकास भवन पर रोजगार सेवकों ने की नारेबाजी, सीडीओ को सौंपा 17 सूत्री मांग पत्र। मानदेय के लिए निकाला जुलूस। आजमगढ़ निजी संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार एक साल से अधिक समय से मानदेय न मिलने से आक्रोशित ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में विकास भवन तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, विकास भवन के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रोजगार सेवकों ने सीडीओ को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना में श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। इस योजना में काम करने वाले रोजगार सेवकों के मानदेय की गारंटी नहीं है। 6,000 प्रति रुपये प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। कंटेजेंसी के पैसे से मानदेय देने का प्रावधान है, लेकिन यह पैसा कहां खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं है। इंदर यादव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रमा शंकर ने कहा कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रधान कंप्यूटर ऑपरेटर की मिली भगत से फर्जी जॉब कार्ड बना देते हैं। रोजगार सेवकों के साथ प्रधान की ओर से ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए नियंत्रण डीसी मनरेगा से करने की मांग की। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी अपना मानदेय हर माह ले रहे हैं और रोजगार सेवकों को इससे वंचित रखा जा रहा है। मानदेय न मिलने से आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजगार सेवकों से आर्थिक गणना, बेसलाइन सर्वे, रैपिड सर्वे सहित अन्य अतिरिक्त काम लिया जाता है और समय से मानदेय नहीं दिया जाता है सहित अन्य 17 सूत्री मांग पत्र सीडीओ को सौंपा। इस अवसर पर गिरधारी विजय, पवन, राकेश, रामनिवास, सुभाष, ओम प्रकाश, नागेश्वर, मनीष, कमलेश, ईश्वर सरण, नीरज, जिबूत, अनुज, राजेश, अभिषेक, रामबचन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विकास भवन पर रोजगार सेवकों ने की नारेबाजी, सीडीओ को सौंपा 17 सूत्री मांग पत्र। मानदेय के लिए निकाला जुलूस। आजमगढ़ निजी संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार एक साल से अधिक समय से मानदेय न मिलने से आक्रोशित ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में विकास भवन तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, विकास भवन के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रोजगार सेवकों ने सीडीओ को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना में श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। इस योजना में काम करने वाले रोजगार सेवकों के मानदेय की गारंटी नहीं है। 6,000 प्रति रुपये प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। कंटेजेंसी के पैसे से मानदेय देने का प्रावधान है, लेकिन यह पैसा कहां खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं है। इंदर यादव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रमा शंकर ने कहा कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब